मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे किए गए और इस हवाले से मजम्मत भी की गई। एहतजाजी मुजाहरों, रैलियों और धरनों में शरीक सहाफी बिरादरी, सिविल सोसाइटी, ताजिर और आम शहरियों ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान में जंग ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप जारी है। आज एहतजाजी कैंप में वकला, सियासतदानों और सहाफियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेख फहीम समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की और मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। गुजरांवाला में मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए सियासतदान, वकला, सहाफी सरापा एहतजाज बन गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर और डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मोहसिन याकूब बट ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे में शिरकत की और गिरफ्तारी को एक इंतकामी कार्रवाई करार दिया। राजनपुर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में अंजुमन ताजिरान, सियासी जमातों और सहाफी बरादरी ने भी शिरकत की। मुजफ्फरगढ़ में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती, वकला, ताजिर बरादरी और सहाफियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर जमशेद दस्ती का कहना था कि हुक्मरानों के करप्ट चेहरे बेनकाब करने पर मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार किया गया है। सियालकोट में सहाफियों ने अल्लामा इकबाल चौक पर एहतजाज किया। मुजाहरे में सिविल सोसाइटी, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, वकला और अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी भी शरीक हुई। मुजाहरीन मीर शकीलुर रहमान के हक में नारेबाजी करते रहे। खुशाब प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका का मुतालबा था कि फौरी तौर पर मीर शकीलुर रहमान को रिहा किया जाए और जंग जियो के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए मुजाहरे किए गए। चमन में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बारिश के बावजूद सियासी, समाजी तंजीमों, वकला, यंग डॉक्टर रहनुमाओं ने मुजाहरे में भरपूर शिरकत की। एहतजाज में पश्तूनख्वा मैप, JUIFA, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा भी शरीक हुए। अंजुमन ताजरान, दुकानदार, सिविल सोसाइटी ने भी मुजाहरे में भरपूर शिरकत की और मीर शकीलुर रहमान से इजहार यकजहती करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। खुजदार में वकला, ताजर तंजीमों और सियासी और समाजी जमातों ने प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया। मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी आजाद मीडिया को दबाने के मुतरादिफ है। जाफराबाद और नसीराबाद में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरों में सहाफी, ताजिर, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों ने भरपूर शिरकत की। हब प्रेस क्लब के बाहर मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई के लिए नारेबाजी की और गिरफ्तारी को आजादी सहाफत पर एक वार करार दिया। इस गर्दू में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे में सहाफियों, वकला और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। अस्तोर में किए गए मुजाहरे में सहाफी बरादरी, सिविल सोसाइटी, चेयरमैन कराकरम नेशनल कौमी मूवमेंट डॉक्टर गुलाम अब्बास, ताजिर बरादरी और शहरी भी शरीक हुए। विहारी प्रेस क्लब के बाहर मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी और नैब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गिलगित में भी मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मीडिया तंजीमों ने एहतजाज किया। मुजाहरे में गिलगित प्रेस क्लब, GB यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन और मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुशीर इतलात शम्स मीर का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों की एक बदतरीन मिसाल है। मुल्क के उस मीडिया ग्रुप को आज जो है इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है जिसने 70 साल से इस मुल्क को सहाफत के जाब्ते दिए हैं, जर्नलिज्म दी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया है, एक एक निजाम पूरा दिया है। बहावलपुर प्रेस क्लब में जंग जियो ग्रुप एडिटर चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। एहतजाज में शरीक मुस्लिम लीग नून की रहनुमा फौजिया अयूब कुरैशी का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान पर झूठा मुकदमा बनाया गया है। बहावल नगर में भी मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। DG खान में एहतजाज करते हुए सहाफियों ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को आजादी सहाफत पर हमला करार दिया। तौसा में सहाफियों ने कचहरी रोड पर एहतजाज किया। जंग प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरे के बाद रैली निकाली गई जिसमें सहाफियों, सिविल सोसाइटी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने शिरकत की। सदर प्रेस क्लब जंग लियाकत अली समेत दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फैसलाबाद में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सहाफियों, सिविल सोसाइटी और लेबर कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान
रुका मीर शकील उरहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। रहीम यार खान में भी मीर शकील उरहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली। एहतजाज में सहाफियों, वकला, सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रेस क्लब से दुआ चौक तक रैली भी निकाली गई।